बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल 23 मार्च का दिन है और इस दिन के हवाले से इस साल बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं। कई लोगों का ये दावा है कि J-35 या J-31 23 मार्च की परेड के अंदर हिस्सा लेगा और हमें कल इस फाइटर जेट के एरोबैटिक्स देखने को मिलेंगे और दुनिया भी पहली बार इस फाइटर जेट को करीब से देखेगी। अब इस दावे की वजह से पब्लिक ने भी ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या वाकई J-31 या J-35 23 मार्च की परेड के अंदर हिस्सा लेगा, और अगर ये फाइटर जेट 23 मार्च की परेड के अंदर हिस्सा लेता है तो इसके ऊपर किस कंट्री का फ्लैग लगा होगा। देखें, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया के किसी मुल्क ने किसी फाइटर जेट का ऑर्डर किया हो और उसी साल उस मुल्क के अंदर होने वाली परेड के अंदर उस फाइटर जेट ने हिस्सा लिया हो। जब तक कोई फाइटर जेट किसी मुल्क की एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट नहीं होता, उससे पहले वो फाइटर जेट उस मुल्क की परेड के अंदर हिस्सा नहीं लेता। हाल बता दोस्त मुमालिक अपनी जानिब से अपने फाइटर जेट्स को अपनी दोस्ती दिखाने के लिए उस मुल्क की परेड के अंदर जरूर भेजते हैं और वो फाइटर जेट्स वहां पर आकर एरोबैटिक्स परफॉर्म करते हैं। जिस तरह तुर्की ने अपने 16 तुर्क यानी F-16 को भेजा था पाकिस्तान, या पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब के अंदर अपने फाइटर जेट्स को भेजा जाता है एरोबैटिक्स परफॉर्म करने के लिए। लेकिन ये नहीं होता कि पाकिस्तान ने अमेरिका को इस साल F-35 का ऑर्डर दिया है और पाकिस्तान एयरफोर्स को अभी F-35 रिसीव नहीं हुए, उससे पहले ही अमेरिका F-35 को पाकिस्तान में एरोबैटिक्स में हिस्सा लेने के लिए भेज दे। ऐसा कारनामा सिर्फ भारत के अंदर सरंजाम दिया गया है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने रफाल की बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग की थी और इसी एडवर्टाइजिंग के चलते हुए रफाल को फ्रांस से भारत के अंदर बुलवाया गया और भारतीय एयरफोर्स में शामिल होने से 2 साल पहले रफाल ने एरोबैटिक्स परफॉर्म किए भारत के अंदर। इसके अलावा मुझे कोई भी और ऐसा वाकया याद नहीं है जब किसी मुल्क के अंदर बिला वजह कोई फाइटर जेट आया हो और उसने एरोबैटिक्स परफॉर्म किए हो। अब ये जो दावे किए गए हैं इनके अंदर कोई भी सच्चाई मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर J-35 या J-31 ने पाकिस्तान के अंदर एरोबैटिक्स परफॉर्म करने होते तो हमें इस वक्त J-35 या J-31 पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता और 15 मार्च के बाद हमें परेड ग्राउंड के अंदर इस फाइटर जेट की टेस्टिंग देखने को मिलती। क्योंकि आप तमाम लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि 23 मार्च की परेड से पहले पाकिस्तान एयरफोर्स इस परेड की प्रैक्टिस करती है और 22 मार्च वाले दिन तकरीबन बिल्कुल 23 मार्च की परेड की तरह की परफॉर्मेंस देती है पाकिस्तान एयरफोर्स। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स मुकम्मल तौर पर इस इलाके को जान लें और उन्होंने जो एरोबैटिक्स परफॉर्म करने हैं उसके अंदर कोई गलती ना हो पाए और कोई हादसा भी ना रोनुमा हो। अब हमें तो पूरे मार्च के अंदर J-31 या J-35 पाकिस्तान के अंदर देखने को नहीं मिला, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि J-31 या J-35 इस परेड के अंदर हिस्सा लेगा। हाल बता अचानक पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कोई सरप्राइज दे दिया जाए तो इसके हवाले से मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हो सकता है कि J-31 इस परेड के अंदर रोनुमा हो और वो कोई एरोबैटिक्स परफॉर्म ना करे या परेड ग्राउंड के ऊपर से बस सलामी देकर वापस चला जाए, लेकिन इस बात के चांस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन 23 मार्च की परेड के अंदर आपको क्या नया देखने को मिल सकता है, ये एक बहुत अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको कल परेड में ही मिलेगा। और जिंदगी ने साथ दिया तो हम कल इस परेड को देखेंगे और हमें ये पता चलेगा कि इस परेड के अंदर हमें क्या क्या नई चीजें देखने को मिली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।